ये कहानी 19 साल की वेला नाम की लड़की के ऊपर आधारित है जो कि एक वायलिन प्लेयर है और जब कोई भी उसके साथ गपागप करता है तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है लेले वैली और ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम वेला और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो खुले आसमान के नीचे चुम्मा चाटी कर रहे थे। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे एक म्यूजिक सीडी देता है जिसे देख के वो काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद वेला का बॉयफ्रेंड उससे रिटर्न गिफ्ट मांगता है जिसके बाद वेला उसे कमरे में देने जाती है। वो दोनों गपागप करने ही वाले थे तभी बेला उसे रोक देती है और बोलती है कि मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ और मुझे वायलिन क्लास के लिए जाना है। उसके बाद बेला घर पे आने के बाद वायलिन प्रैक्टिस करने लगती है। तभी उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसे वायलिन कॉन्टेस्ट में सिलेक्शन मिल गया है। वो जल्दी से जाके अपनी सिस्टर को ये सारी बातें बताने लगती है और उसके बाद वो अपनी माँ को बताने के लिए जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि बेला की माँ गपागप काउंसलर थी। अगले दिन बेला अपने वायलिन टीचर को अपना सिलेक्शन लेटर दिखाती है जिसे देखने के बाद वो अपसेट हो जाते हैं क्योंकि उसके हिसाब से बेला को अभी और प्रैक्टिस की जरूरत थी। उसके बाद बेला अपने टीचर को वायलिन बजा के सुनाती है जिस पर उसके टीचर बोलते हैं कि तुम्हारे वायलिन के धुन में फीलिंग नहीं है जो जजेस लोगों का खड़ा कर सके। जजेस लोगों को खड़ा कर सके। उसके बाद बेला अपनी फ्रेंड युक्सी को कॉल करती है और वो उससे बोलती है कि मेरे टीचर को मेरे परफॉर्मेंस में शक है, जिस पर युक्सी बोलती है कि तुम्हें कॉन्टेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, तुम टीचर की बातों को ज्यादा दिल पे मत लो। युक्सी उसे मोटिवेट करती है क्योंकि उसका भी सिलेक्शन हो गया था। उसके अगले दिन वेला की माँ उसे समझाती है कि सुन, पहली बात तो ये जो तू टिप टॉप चलती है अगले दिन उसकी माँ उसे समझाती है कि पहली बात तो ये कि तुम्हारी अभी इतनी उम्र नहीं है कि तुम इतनी टेंशन ले सको, अभी तुम्हें अपनी लाइफ खुल के जीनी चाहिए, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ और उसका औजार खुजाओ, वायलिन में क्या रखा है। उसके बाद वेला रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में जाती है, वहाँ वो दोनों घोड़ा डांस करने लगते हैं। वेला का बॉयफ्रेंड उसके साथ गपागप करना चाहता था लेकिन वो हमेशा कोई नया बहाना लगा देती थी, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि मुझे गपागप करना है, जिस पर वेला बाथरूम चली जाती है। जब वो बाथरूम से वापस आती है तो वो देखती है कि उसका पापी बॉयफ्रेंड सबके सामने किसी दूसरी लड़की के साथ पाप कर रहा है और वो वहाँ से उसी टाइम चली जाती है। वेला एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और अगले दिन यही सब सोच सोच के उसका काम में मन नहीं लगता, जिसके कारण उसकी बहस उसके सीनियर से हो जाती है और वो काम छोड़ के वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वेला अपने टेस्ट के लिए ट्रेन पकड़ के वहाँ जाने लगती है। वहाँ पहुँचकर वेला देखती है कि कुछ लोग पियानो को उठा के वहाँ से लेके जा रहे थे। तभी वेला उनकी हेल्प करने लगती है और जैसी नाम का लड़का उसे थैंक्स बोलता है और उसके बाद वो अपनी फ्रेंड युक्सी को ढूंढ लेती है। काउंटर पे उसे एक अनजान आदमी मिलता है जो उसे बेस्ट ऑफ लक कह के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बेला पूरी मेहनत से कॉन्टेस्ट की तैयारी करने लगती है। अगले दिन अब बेला के ऑडिशन की बारी आती है लेकिन बेला काफी नर्वस थी। स्टेज पे आने के बाद वो देखती है कि वो आदमी सामने ही बैठा है जिसने उसे बेस्ट ऑफ लक बोला था। उसके बाद वो वायलिन बजाती है जिसके बाद उससे मिस्टेक हो जाती है और वो जजेस से एक और चांस मांगती है, पर जजेस भी उसे दूसरा चांस दे देते हैं क्योंकि जजेस को पता था कि वो थोड़ा नर्वस है। उसके बाद भी वेला सही से परफॉर्म नहीं कर पाती। उसके बाद वो स्टेज के पीछे जाके रोने लगती है। तभी उसके कानों में पीछे से कोई आवाज लगाता है और वो बोलता है कि तुम ये कर सकती हो। उसे फील होता है कि कोई उसके साथ गपागप कर रहा है और वेला को भी इसमें बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद वेला स्टेज पे जाती है और तबाही मचा देती है जिससे जजेस भी काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद वेला उसी आदमी से मिलती है जिसका नाम विंसेंट था। वो वेला से बोलता है कि तुमने आज वायलिन बहुत अच्छा बजाया। वेला को अभी तक यही लग रहा था कि यही वो आदमी है जिसने मुझे स्टेज के पीछे मोटिवेट किया और वो उसे अपना नंबर देके और सेकेंड राउंड के लिए ऑल द बेस्ट बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड युक्षी के पास जाती है और वहाँ वायलिन बजाने लगती है लेकिन अगेन वहाँ वायलिन अच्छा नहीं बज रहा था। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड से अपनी फीलिंग शेयर करती है और बोलती है कि उस टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई मेरे साथ गपागप कर रहा है और इसलिए स्टेज पे वायलिन इतना अच्छी तरीके से बच पाया। यहाँ हम व्यूअर्स को वेला की फैंटेसी के बारे में पता चल जाता है कि जब कोई वेला को बजाता है तो वो वायलिन बहुत अच्छा बजाती है। उसके बाद वेला एक पेट बॉय को अपने घर पे बुलाती है और उसके साथ गपागप करती है, पर उसे वो फीलिंग नहीं आती और वो उसे पैसे दे के जाने के लिए बोलती है और उसके बाद वो बीसेंट के पास जाती है। उसके बाद बीसेंट उसे समझाता है कि म्यूजिक तुम अपने किसी खास आदमी से रिलेट करके प्ले करो। उसके बाद पीछे से विंसेंट उसे छूने लगता है और वेला को फील होता है कि कोई उसके साथ गपागप कर रहा है, जिसके बाद वेला बहुत अच्छा वायलिन बजाती है और घर आने पे वो युक्षी को भी बजा के सुनाती है जिससे वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके अगले दिन युक्षी वेला को अपने फ्रेंड के स्टूडियो पे लेके जाती है जहाँ वो जैसी से मिलती है जिसे वो पहले भी मिल चुकी थी और जैली वेला से काफी ज्यादा फ्रेंकली बिहेव करता है। उसके बाद वेला रात को युक्षी से पूछती है कि क्या जैसी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, पर युक्षी बताती है
है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। योक्षी एक लेस्बियन थी और वेला का भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए योक्षी को लगता है कि वेला भी एक लेस्बियन है। और अगले शाम को ये दोनों क्लब में जाके डांस करने लगते हैं, जहाँ जैसी आता है, लेकिन योक्षी वेला को जैसी के पास नहीं जाने देती और जैसी भी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उन दोनों के अटैचमेंट के हिसाब से जैसी को लग रहा था कि वेला भी एक लेस्बियन गर्ल है। उसके बाद वेला और योक्षी रात में साथ में घवाघव करते हैं। अगले दिन वेला योक्षी से बोलती है कि मुझे जैसी से प्यार हो गया है। ये सुनकर योक्षी का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो वेला को लाइक करने लगी थी, और ये सुनने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वेला उसे काफी कॉल और मैसेजेस करती है, लेकिन वो उसका रिप्लाई नहीं देती। और उसे ढूंढते ढूंढते वेला उसके दोस्त के स्टूडियो पे जाती है, पर वहाँ ओनली जैसी था। वो उससे योक्षी के बारे में पूछती है, पर वो बोलता है कि वो यहाँ नहीं आई। उसके बाद वेला जैसी के वॉयलिन से प्रैक्टिस करने लगती है और जैसी भी उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगता है। तभी जैसी को फील होता है कि वेला एक लेस्बियन है, क्योंकि उसने वेला को योक्षी के साथ देखा था, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। और जब वेला घर आती है तो योक्षी उससे काफी नाराज थी, और वो वेला से बोलती है कि तुम अपना सामान लेके यहाँ से चली जाओ। और वो अपना सारा सामान लेके जैसी के पास जाती है, लेकिन जैसी किसी और के साथ घबाघब कर रहा था, जिसके बाद वो एक होटल में जाके रहती है। अगले दिन सेकंड राउंड के लिए वेला विंसेंट को मोटिवेशन के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता, जिसके बाद वेला काफी डिमोटिवेट हो जाती है। और तभी वहाँ विंसेंट आता है, जिसके बाद वेला उसे बोलती है, तुम मुझे बजाओ ताकि मैं वॉयलिन बजा सकूं। और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब वेला सेकंड राउंड में सिलेक्ट होकर फाइनल राउंड में आ जाती है। अगले दिन वेला जैसी को बधाई देता है और उसे अपने साथ पार्टी एंजॉय करने के लिए बोलता है। तभी वो विंसेंट को देखती है और जैसी से थोड़ा टाइम लेके वो विंसेंट के पास जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। तभी विंसेंट उसके साथ घवाघव करने लगता है, और काफी देर वेट करने के बाद जैसी भी वहाँ पहुँच जाता है और वो उन दोनों को घवाघव करते हुए देख लेता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वेला इनोसेंट होकर अपने घर चली जाती है और वो अपना सारा सामान पैक करके अपने टीचर के पास जाती है और अपने टीचर से बोलती है कि मैं अपनी वॉयलिन क्लासेस वगैरह सब कुछ छोड़ रही हूँ। उसके बाद उसकी हालत देख के उसकी माँ से पूछती है कि क्या हुआ, जिसके बाद वेला उन्हें पूरी बात बताती है। उसके बाद उसकी माँ उसे कॉन्टेस्ट के लिए मोटिवेट करती है और वेला वहाँ दोबारा जाके योक्षी से माफी मांगती है और सारी सच्चाई बताने के बाद जैसी भी उसे माफ कर देता है और वो जैसी का वॉयलिन लेके फाइनल स्टेज पे जाती है और वो वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जहाँ हम जैसी को स्टेज के पीछे वेला के साथ घवाघव करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बैक स्टेज में हमेशा जैसी ही आता।